तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? एक बार फिर से मैं इसराफिल स्नेक्सेवर इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम कहाँ आ चुके हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने हमको फोन करके याद किया। बोलिए तो सर, ये कौन सा जिला है? ये जिला दरभंगा है, गांव कछुआ है। सांप कब देखा गया? सांप यही 1.5-2 घंटा पहले। दोस्तों घर में कोई सांप है, घर के लोगों को जैसे ही नंबर मिला स्नेक सेवर का, वैसे ही फोन लगा करके इन्होंने हमको याद किया। दोस्तों हम जगह पे पहुंच चुके हैं और देखते हैं दोस्तों कैसी स्थिति है और कौन सा सांप है। वीडियो में बने रहिए, फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं। ऐसे में वीडियो जिसको बनाना यहाँ से बनाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे इंसान रहता है अपना आशियाना बना कर रखता है। दोस्तों जहाँ पे इंसान रहता है वहीं पे बहुत सारी जरूरत की चीज भी रहती है। उसी जरूरत की चीज में दोस्तों बेजुबान जीव जो है आ चुका है। घर में होता है अनाज, अनाज के चक्कर में चूहा, और चूहा को खाने के लिए ये सांप अक्सर हमारे घरों में आ जाते हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि मौसम बदल चुका है और ऐसे मौसम में सांपों का आपके घर में घुसना तो लाजमी है, क्योंकि वो पापी पेट के चक्कर में आपके घरों में घुसा। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, सांप इसी कोना में है, कोठी के पीछे है, उसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे कंडीशन में है। पहले यहाँ से आप देख लेते थोड़ा सा। दिख रहा है इधर, यहाँ से देखिए। एक मिनट भैया, आप यहाँ से प्लीज देख लीजिए, ठीक है? आप यहाँ बैठ के और देख लीजिए, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है? नीचे एक आदमी नीचे बैठ के खींच लीजिए। अकेले नहीं हो सुर, कितने मोटे हो गए। एक आगे रुक जाओ ना, घुस गया बिल्ली में, घुस रहा है। नहीं बिल्ली नहीं, बिल्ली ने ओनते ऊपर खींच लो। आदित सांप कितना आसानी से छुपा हुआ, जब भी इसके अंदर आप हाथ डालते हैं या पैर जाता है आपका, तो ये आपको काट लेता है। तो प्लीज आप लोग जो है ऐसे सांपों से, और आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो आपके बचने का चांस है बहुत कम है। गर्मी है, दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन स्पिटिकल पूरा जहाँ पे इंसान रह रहा था, देख सकते हैं बगल में बेट है और इसी के अंदर जो है ये चूहा खाने के लिए, घर के लोगों को पता भी नहीं रहता कि ये सांप इतना जहरीला घर में घुसा हुआ है। और जब भी आप इसके करीब जाते हैं कुछ सामान निकालने के लिए या सामान उठाने के लिए, तो ये आपको लपक लेता है दोस्तों। और लपकने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको चूहा काटा है, छुछुंदर काटा है, और आराम से घर में बैठे रहते हैं। जब आपका आंख बंद होने लगता है, बुमेटी होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, तब आपको समझ में आता है कि हमको सांप काटा है। तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, अब इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी देते हैं। चलिए भागने की कोशिश कर रहा है, बहुत। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी को इंडियन स्पिटिकल कोबरा बोलते हैं और ये भारत का बहुत ही विषैला सांप है। इसी सांप के काटने से इंसान की जान 45 से 50 मिनट में हो जाती है। दोस्तों जब तक छेड़छाड़ नहीं होता है, जब तक बदतमीजी नहीं करते इसके साथ, जब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब भी इसके ऊपर पैर पड़ता है या जाने अनजाने में महिला जो घर में रहती है वो सामान उठाने गई, उसको पता नहीं है कि इसके पीछे सांप है, तो ये लपक लेता है अपनी जान बचाने के लिए।
देख रहे हैं दोस्तों, ये हमको इंडिकेट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि प्लीज आप हमको छोड़ दीजिए, साइड हो जाइए, नहीं तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। हवा के नाव है। तो दोस्तों वीडियो को देख करके आप कॉपी नहीं करिएगा, नहीं तो मारे जाइएगा। ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, हम लोग, हमारा ट्रेनिंग है, पढ़ाई है, कई सालों का अनुभव है, जब जाकर के इतना विषैला सांप को ऐसे आराम से पकड़ के इसको फॉरेस्ट में रिलीज करने का काम करते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई मंत्र है जब जाकर के ये हम ऐसे इसको कंट्रोल किए हुए हैं। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं होता इसका, इसका पढ़ाई है, ट्रेनिंग है। कुछ तो है आपके पास? कोई कुछ नहीं है, हमारे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, हमारा पढ़ाई, हमारा ट्रेनिंग है बस। सुनिए, आप लोग सुनिए जरा गौर से, जब भी ये जहरीला सांप काटता है तो ओझा गोनी झाड़ फूक के चक्कर में जाइएगा तो मारे जाइएगा, क्योंकि इसमें समय है बहुत कम। जब ये फन को फैलाया तो आपको लग रहा है कि गेहूं है, अगर फन नहीं फैलाता, ये काट लेता आपको, तो आप सोचते हैं कि धमिनिया काटा होगा, और धमिनिया काटा होगा आप झाड़ फूक में चल जाते हैं, और झाड़ फूक में जाते ही आपकी जान चली जाती है, समय बर्बाद होता है। करना क्या चाहिए, काटने के बाद क्या करना चाहिए? बताते हैं हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरी सास चले गई है ना, 2 साल हो गया, इसीलिए डर लगो, ऐसा बहुत स्पीड है इस सांप के अंदर। डिब्बा उसका दांत तोड़ देते हैं, जहर का थैली निकाल देते हैं, और उसके हम लोग देख रहे पूरा सेफ्टी में आते हैं, समझ गए, धोती कुर्ता पहन के नहीं आते हैं, सेफ्टी में रहते हैं पूरा। दोस्तों देखने में जितना ये खूबसूरत और स्मार्ट लगता है उतना ही जहरीला है दोस्तों। इसके अपने बचाव के लिए प्रकृति ने, भगवान ने इनको अपनी बचाव के लिए इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर दिया है, ताकि ये अपनी सेफ्टी में सेफ्टी कर सके, ना कि आपको काटने के लिए भगवान स्पेशल भेजा है, और ना घर में ये जाता है आपको काटने के लिए, ये चूहा मेंढक के चक्कर में आपके घरों में घुसता है। तो ऐसे बेजुबानों को बचाने में आप हमारी मदद करें। रात का कितना बज रहा है? 8:15। अच्छा, रात का 8 बज रहा है, और आपके गांव में हम जो है आए सांप पकड़ने के लिए, तो आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे YouTube पे हमको देखते हैं? यही संदेश देंगे, जो जिनके घर में अगर ये सब चीज देखे तो कृपया आप फोन करें या संपर्क करें, जरूरी होता है। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इसको डालते हैं डब्बे में और निकलते हैं फॉरेस्ट में इसको रिलीज करने के लिए। बनवा हो गया सर, लाइए कील, लाइए में डालते हैं, उस टाइम में भी खतरा बना रहता है, और जिस टाइम हम लोग रेस्क्यू करते हैं उस टाइम में भी खतरा बना रहता है, जिस टाइम रिलीज करने जाते हैं इसको उस टाइम में भी खतरा बना रहता है। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पे था।